बांका जिले के शक्तिपीठ के नाम से समुख्या में प्रसिद्ध मां काली बांका से सटे समुख्या गांव में स्थित है। इस मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है, जिसको लेकर दूर दूर से मां काली की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु लोग पहुंच रहे हैं। कहा जाता है जो भी श्रद्धालु सच्चे दिल से आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल के बाद जिस प्रकार से मेले का आयोजन किया गया है उससे बाहर से जो भी दुकानदार आए हैं अच्छी खासी आमदनी हो रही है। इस काली मंदिर में तांत्रिक विधि से पूजा अर्चना एवं बंगाली प्रथा से किया जाता है, जिसकी चर्चा पूरे जिले के साथ दूसरे जिले में भी मशहूर है। सब महसूस हो रहा है, महसूस तो अच्छे हो रहा है पर पहले जैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले बहुत ही ज्यादा था, अब नहीं आ रहा है कोरोना का। बांका जिले के निमके मुखिया की कहानी तो सुने ही होंगे, आज उनका करतूत भी देख ले। बांका प्रखंड के अंतर्गत ककवारा पंचायत के विश्वताड़ा गांव में पूजा रंजन के पति सुनील यादव की अध्यक्षता में शराबबंदी को लेकर वार्ड सदस्य और ग्रामीणों के बीच विचार विमर्श करने के बाद फैसला सामने आया कि ककवारा पंचायत के किसी गांव में ना तो शराब बना सकते, ना शराब बेच सकते और ना ही पी सकते हैं। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उनके ऊपर खुद कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। इस बात को सुनकर निमकी मुखिया की कहानी याद आ गई। शादी के पूर्व मुखिया होना, बाद में शादी करना, इसकी चर्चा तो जोरों शोरों से थी, लेकिन जिस तरह से शराबबंदी को लेकर फैसला लिया, वाकई में पूजा रंजन निम के मुखिया की तरह ही कार्य करेगी। चट फैसला, पच कार्रवाई। बांका में बढ़ेगी हरियाली की चादर, सिंचाई के लिए मिलेगा भरपूर पानी, 385 जगहों पर बनेंगे चेक डैम। बांका में हरियाली की चादर और बढ़ेगी, इसके लिए सरकार की ओर से 385 स्थानों पर चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है। इससे हर खेत को पानी पहुंचाने के लक्ष्य में काफी मदद मिलेगी। सबसे अधिक फायदा चांदन बेलहर जिले में सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए विभाग तैयारी की जा रही है। भूमि संरक्षण और मनरेगा विभाग के सहयोग से जिले में 385 चेकडैम बनाए जाएंगे। यहां 5000 हेक्टेयर पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। यदि यह काम धरातल पर उतरती है तो इससे जिले के लगभग 1,00,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेंगे। उप निर्देशक भूमि संरक्षक संजय शर्मा ने बताया कि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए स्टेट प्लान के तहत भूमि संरक्षण विभाग के अंतर्गत आने वाले फुली डुमर, बांका, कटोरिया और चांदन प्रखंड में यह योजना चलाई जा रही है। यहां की भूमि पथरीली होने के साथ ही यहां पहाड़ी क्षेत्र है, पानी की कमी के कारण यहां की भूमि बंजर होती जा रही है। चेक डैम के निर्माण से मिट्टी कटाव को रोकने के साथ ही सूखे क्षेत्र में जीवन रक्षक के रूप में काम करता है। यहाँ चेक डैम का निर्माण हो चुका है, वहाँ खेतों को पर्याप्त पानी मिलने के साथ ही पेयजल की समस्या में भी काफी कमी आई है। इस योजना के तहत कटोरिया और चांदन प्रखंड में 18 चेक डैम का निर्माण किया जाना है। बांका शहर के मशहूर काली मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु लोग पहुँचे हैं। खासकर शहर के किनारे होने के कारण और अधिक जगह होने के कारण मेले का आयोजन भी किया गया है। भीड़ नहीं हो इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता व्यवस्था भी की गई है। भागलपुर में आज पर्वती की बुढ़िया काली सहित 85 प्रतिमाओं के निकलेगी भव्य विसर्जन यात्रा। भागलपुर में आज मां काली की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन चौक के पास सबसे पहले पर्वती की प्रतिमा पहुंचेगी, उसके बाद यहीं से सभी प्रतिमा। शहर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा और भक्ति के साथ मां काली की पूजा मनाई जा रही है। शनिवार को पर्वती की बुढ़िया काली के नेतृत्व में शहर के चारों दिशाओं से 85 प्रतिमाओं की विसर्जन शोभा यात्रा निकलेगी। इसको लेकर शहरवासी उत्साहित हैं। भागलपुर स्टेशन चौक पर मां काली की सभी प्रतिमाएं एकत्रित होंगी, उसके बाद वहीं से कतारबद्ध होकर प्रतिमाएं विसर्जन के लिए चलेंगी। बांका जिले के धोरैया सनोला मुख्य पथ में करहरिया मदरसे से शनिवार को पुलिस ने 4 देसी कट्टा व 8 गोली बरामद किया है। थाना अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि गुप्त सूचना मिलते ही मदरसे में छापेमारी की गई। इस दौरान चारा की बोरी के नीचे कट्टा व कारतूस जब्त किया गया। यहां बच्चे को शिक्षा दी जाती है, ऐसी स्थिति में अवैध हथियार बरामदगी चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस इसकी जाँच कर रही है। बताया जाता है कि करहरिया गांव में मुख्य सड़क पर जामिया अरबिया तालिमुल कुरान मदरसा वर्ष 2003 से संचालित है। यहां करीब 2 दर्जन बच्चे को कुरान शरीफ की शिक्षा सिंहपुर गांव के मौलाना सोएब आलम द्वारा दी जाती है। शनिवार की दोपहर मदरसा से कच्चे व कारतूस के बरामद होने से क्षेत्र में खलबली मच गई है। कोई घटना को सोची समझी साजिश बता रहा है तो कोई फंसाने की साजिश कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में लगी हुई है। आखिर शिक्षा के मंदिर में ये हो क्या रहा है। ठंडा भोजन मिला तो भड़क उठा दूल्हा और उसका पिता। बारातियों ने लड़की के भाई पर फेंका गर्म पानी। बिहार के भागलपुर की घटना।
भागलपुर में एक शादी के दौरान लड़की और लड़का पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल ठंडा भोजन परोसे जाने पर दूल्हा और उसका पिता भड़क गया। इस दौरान बाकी बाराती भी गुस्सा गए और लड़की के भाई पर गर्म पानी फेंक दिया। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मंसरपुर फतेहपुर में शुक्रवार को दूल्हा, उसके पिता और रिश्तेदारों ने जमकर बवाल काटा। भोजन सामग्री ठंडा हो जाने के कारण दूल्हे के पिता मोहम्मद बुरहान आग बबूला हो गए। बेटे रिहान के अलावा मोहम्मद नुबान, मोहम्मद आजाद समेत अन्य रिश्तेदारों के साथ भंडारे में जा पहुंचे और भोजन बनवा रहे मोहम्मद मुरमर उर्फ जावेद को गाली गलौज कर उसकी पिटाई कर दी। दहेजी बुलेट के लिए महिला कांस्टेबल की फौजी पति ने ले ली जान। भागलपुर की रहने वाली थी प्रतीक्षा। दहेजी बुलेट के लिए भागलपुर की महिला सिपाही की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उसके पति सेना में है। महिला सिपाही प्रतीक्षा भागलपुर के अकबर नगर की रहने वाली थी। उसकी शादी खगड़िया में हुई थी। घर वालों ने बताया कि दहेज में बुलेट गाड़ी नहीं देने पर फौजी पति अंकित कुमार ने उसकी हत्या कर दी। श्रीरामपुर गांव में मौत की खबर सुनते ही गांव में हलचल मच गई। आनन फानन में मृतका के स्वजन परवत्ता थाना के अररिया गांव अपनी बेटी को देखने पहुंचे। ससुराल पहुंचे मृतका के स्वजनों ने परवत्ता थाना में दामाद सहित सास ससुर व अन्य लोगों को दहेज के लिए हत्या करने का मामला दर्ज कराया। पुत्री प्रतीक्षा कुमारी की शादी 27 नवम्बर 2019 को खगड़िया जिले के मड़ैया थाना क्षेत्र के अररिया गाँव निवासी सुन्नी यादव के पुत्र अंकित कुमार के साथ हुई थी। 20 साल से फरार हार्डकोर टॉप मोस्ट नक्सली मनोज मरांडी हुए गिरफ्तार। जमुई के थाने में दर्ज है 8 मुकदमे। जमुई पुलिस को आज उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने 20 साल से फरार चल रहे हार्डकोर मोस्ट नक्सली मनोज मरांडी को गिरफ्तार कर लिया। मनोज पर जमुई के विभिन्न थानों में 8 मुकदमे दर्ज है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। माता सीता ने यहाँ की थी छठ। मुंगेर से महापर्व का है सीधा जुड़ाव। आप भी आए सीता चरण मंदिर। वाल्मीकि और आनंद रामायण में मिलता है इसका उल्लेख। मुंगेर में गंगा के बीचों बीच स्थित है सीता चरण मंदिर। उसमें है माता सीता के पवित्र चरण चिन्ह। यहाँ माता सीता ने 6 दिन रहकर की थी छठ पूजा। कटिहार जिले के आजमनगर थाना अंतर्गत देवगांव पंचायत में बरमाइन गांव में शनिवार को छत पर लगी पानी की टंकी से 4 माह की बच्ची का एक शव बरामद किया गया। मृत बच्ची आसिफा की मां आसमीना खातून ने सास गुलशन खातून पर बच्ची की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं एक अन्य घटना में पांव फिसलने से नदी में डूब जाने से एक किशोर की मौत हो गई। पहली घटना में मृत बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि किसी बात को लेकर सास से उसका विवाद हुआ था। अररिया में नेपाल का 3600 बोतल शराब बरामद। पिकअप जब्त, चालक गिरफ्तार तथा 4 तस्कर फरार। बिहार के अररिया में नेपाल का शराब बरामद किया गया है। मणिकपुर गांव के निकट धराया शराब से भरी पिकअप वाहन। गिरफ्तार चालक तथा पिकअप वाहन को अररिया उत्पाद विभाग के सुपुर्द कर दिया है। लगातार यहां शराब की तस्करी की जा रही है। मुंगेर जिले में नमाखों से मां काली को दी विदाई एवं श्रद्धा भाव व भाईचारे का संदेश के साथ विसर्जित हुई काली प्रतिमा। सीसीटीवी व ड्रोन से हुई निगरानी। पूजा मुंगेर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बीच यहां की काली प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। विसर्जन जुलूस में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सीसीटीवी व ड्रोन से विसर्जन जुलूस की निगरानी की गई। युवाओं की टीम ने लगातार लोगों की सेवा की। सुनो सुनो सुनो, बिहार में खेतों में पराली जलाया तो अब खैर नहीं, एक भी सरकारी योजनाओं का नहीं ले सकते लाभ। खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ऐसे किसानों को सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से किसानों को इसके लिए जागरूक भी किया। खेतों में फसलों के अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए शुक्रवार को समीक्षा भवन में डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में अंतर विभागीय कार्य समूह की बैठक हुई। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि किसानों में यह गलत धारणा है कि खेतों में फसलों का अवशेष जलाने से खरपतवार नष्ट हो जाता है, कीट खत्म हो जाते हैं। सच्चाई इससे ठीक उलट है। खेतों में फसलों के अवशेष जलाने से मिट्टी के पोषक तत्व कार्बनिक पदार्थ के नष्ट होने के साथ लाभकारी जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। 1 टन पुआल जलाने से 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 199 किलोग्राम राख, 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड सहित अन्य हानिकारक कण निकलते हैं। इससे सांस लेने, आंख, नाक एवं गला की समस्या उत्पन्न होती है। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि जिला में पराली जलाने की परंपरा नहीं है। यहां अधिकांश किसान फसल के अवशेष का उपयोग पशु चारा के रूप में करते हैं। नीतीश और आरसीपी से मिले शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा, जानिए क्या है इसके संकेत। राजद के दिवंगत नेता मोहम्मद साबुद्दीन के स्वजन अब जदयू के साथ नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे। पहली बार इस परिवार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा
जदयू के कई बड़े नेताओं को शुभ आयोजन में शामिल होने का न्योता दिया है। राजद के दिवंगत नेता मोहम्मद साबुद्दीन के स्वजन अब जदयू के साथ नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बार इस परिवार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जदयू के कई बड़े नेताओं को शुभ आयोजन में शामिल होने का न्योता दिया है। मोहम्मद साबुद्दीन के पुत्र ओसामा खुद न्योता बांट रहे हैं। उनकी इस पहल को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। इस महीने की 15 तारीख को साबुद्दीन की बेटी डॉक्टर हेरा साहब की शादी है। सिवान में होगी शादी। पुत्र ओसामा शादी का न्योता खुद बांट रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता दिया, शादी में आने का आग्रह किया। नीतीश कुमार के शासनकाल में ओसामा संभवतः पहली बार मुख्यमंत्री आवास में आए थे। राजद के शासनकाल में मोहम्मद साबुद्दीन बेरोक टोक इस आवास में आते थे। बिहार में जहरीली शराब ले रही लोगों की जान, सख्त कार्रवाई आवश्यक। राज्य में शराबबंदी लागू होने के बाद भी ऐसे तत्वों की सक्रियता में कोई कमी नहीं आई है। सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। इसमें शीघ्रता की आवश्यकता है क्योंकि यह लोगों की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। बिहार में जहरीली शराब से 26 लोगों की मौत ने प्रशासन की चौकसी और व्यवस्था को घेरे में ला दिया है कि इलाके में अवैध शराब के धंधे पर उसकी नजर क्यों नहीं पड़ी। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है। शराबबंदी के कानून के बाद भी आखिर अवैध तरीके से शराब कैसे बनाई जा रही थी और प्रशासन क्या कर रहा था, इसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए। जो भी दोषी है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। इसकी जांच शीघ्रता से करने की आवश्यकता है क्योंकि यह लोगों की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। बार बार की ऐसी घटनाओं से जाहिर है कि शराबबंदी के बाद भी माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बिहार सरकार की परेशानी बढ़ाएंगे सचिवालय के कर्मचारी, रिक्त पदों पर बहाली समेत मनवाना चाहते हैं कई मांगे। बिहार सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार और महासचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि मानव श्रृंखला बनाने के बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सचिवालय का कामकाज भी बाधित किया जा सकता है। बिहार में सचिवालय सेवा संघ के कर्मचारी लंबे अरसे के बाद सड़क पर उतर रहे हैं। मुख्य मांग पदनाम में परिवर्तन की है। सरकार से करार हुआ था कि सचिवालय सहायकों का पदनाम बदलकर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया जाएगा, यह अब तक नहीं हो पाया है। 2 अक्टूबर को उपवास के जरिए आंदोलन की सांकेतिक शुरुआत हुई थी। 23 से 26 नवंबर तक मुख्य सचिवालय में मानव श्रृंखला बनाकर आंदोलन का दूसरा चरण होगा। पेट्रोल डीजल के मसले पर सुशील मोदी ने लालू यादव को दी चुनौती, 50 रुपए कीमत घटाने के मसले पर कही बड़ी बात। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमत को लेकर राजनीतिक थमती नहीं दिख रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव को चुनौती दी। कहा, 50 रुपए कम कीमत करने की शुरुआत गैर एनडीए शासित राज्यों से कराएं। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमत को लेकर राजनीतिक थमती नहीं दिख रही है। केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स घटाने के बाद दोनों ईंधनों के मूल्य में कुछ हद तक कमी आई, लेकिन विपक्ष इसे पर्याप्त नहीं मान रहा। बिहार के प्रमुख दल राजद के अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल का दाम कम से कम 50 रुपए कम होना चाहिए। इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि यदि लालू यादव को लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम 50 रुपए कम होने चाहिए तो वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए कम कराकर दिखाएं। लालू परिवार के हम आपके हैं कौन पोस्टर से बिहार की राजनीति में उबाल, तेजस्वी यादव बने नकली अर्जुन, तेज प्रताप दे रहे ज्ञान। राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवार में चल रही तनातनी का बिहार के सियासी गलियारे में लोग खूब मजे ले रहे हैं। लालू परिवार के संकट पर तंज कसता एक पोस्टर आज पटना में चर्चा का विषय बना है। पटना की सड़कों पर लगे राजद अध्यक्ष लालू यादव के परिवार को दिखाते हम आपके हैं कौन पोस्टर ने बिहार का सियासी माहौल गर्म कर दिया। पोस्टर पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। शहर के डाक बंगला चौराहा और आयकर चौराहे पर लगाए गए इस पोस्टर में लालू यादव के साथ ही उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की भी तस्वीरें लगी है। इस पोस्टर में तेजस्वी को नकली अर्जुन और अहंकारी बताया गया है। लालू परिवार का झगड़ा पोस्टरों के जरिए पहले भी नजर आता रहा है। इस बार एक खास बात यह है कि पोस्टर लगाने वाले का पता नहीं चल रहा है। बिहार में जमीन के सर्वे से जुड़ा एक अहम निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। उन्होंने राज्य में भूमि विवाद को कम करने के लिए हो रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। स्पेशल सर्वे के काम के दौरान जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा उसकी जाँच मुख्यालय एवं संबंधित जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर भी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि यह इसलिए भी जरूरी है ताकि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। बिहार में शराबबंदी पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही बड़ी बात, विपक्ष पर भी जमकर साधा निशाना। बिहार में शराबबंदी कानून पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कही बड़ी बात।
उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू और आगे भी लागू रहेगा। उन्होंने शनिवार को कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और आगे भी लागू रहेगा। जो मौतें हुई है उनकी जाँच की जा रही है, जहरीली शराब मामले की जाँच की जा रही है और जो दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने गोपालगंज कांड की चर्चा करते हुए कहा कि देखिए वहाँ कितने लोगों को सजा हुई। ललन सिंह ने कहा कि हत्या के लिए कानून है फिर भी मर्डर होता है। पूर्णिया में 121 केजी गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, बोलेरो भी जब्त। पूर्णिया में शराब एवं नशीले पदार्थ की बरामदगी एवं तस्करों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दालकोला की ओर से गांजा लेकर आ रहा था तस्कर, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली उपलब्धि। NH 31 पर YC थाना क्षेत्र के समेकित जांच चौकी दालकोला में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने बोलेरो से ले जाया जा रहा 22 पैकेट में बंद 121.67 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर पिंटू कुमार भागलपुर जिले के नारायण थाना क्षेत्र के चौधरी गाँव का रहने वाला है। पुलिस ने उक्त बोलेरो नंबर AS 12G 0797 को भी जब्त कर लिया है। NDA की जीत सुशासन व विकास की जीत। कुसरेश्वर स्थान व तारापुर विधानसभा उपचुनाव में NDA की जीत पर जदयू भाजपा सहित वहां के मतदाताओं को बधाई दी जा रही है। NDA के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार में विकास की गति काफी तेज है, इस कारण जदयू की जीत हुई। कुसरेश्वर स्थान व तारापुर उपचुनाव में NDA के घटक जदयू की शानदार जीत सूबे में सुशासन व विकास की जीत है। इस जीत ने यह तय कर दिया कि राज्य जंगल राज के झांसे भी नहीं आने वाला। नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व के आगे भी जीत का परचम लहरता रहेगा। जीत में खासकर कुसरेश्वर स्थान में जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव व काबीना मंत्री संतोष कुमार सुमन की अहम भूमिका रही और पूर्व से भी बेहतर परिणाम सामने आए। उक्त बातें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने उपचुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही है।